सीमा के किचन में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, क्योंकि हमने लंच नहीं किया है और हमने काफी देर से किया था, तो हम चाह रहे हैं स्पेशल मैगी बनाने इमरान जी की रिक्वेस्ट पे। इमरान जी बोलेंगे क्यों मेरा नाम क्यों नहीं थी, आपने रिक्वेस्ट किया है। मैंने हल्का सा तेल डाला है जाएगा ये, और ये तेल चलाइए मैं। इसमें प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसमें जाएगा एक मिर्च जो कि सूख गई है काफी, लेकिन मैं फिर भी डालूंगी इसे। और ये भून रहे हैं, ये 2 मिनट की मैगी को मैं बनाऊंगी 10 मिनट में, तो ये थोड़ा सा फ्राई होगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैगी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और इसमें मैं मैगी मसाला अभी डाल देती हूँ। इससे मसाला ना ठीक से मैगी में लग जाता है, तो ये मैंने डाला। मैगी मसाला ये हल्का सा, इसमें गया थोड़ा सा नमक क्योंकि एक्स्ट्रा प्याज गया है, तो इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा हल्दी, एक चौथाई चम्मच और हरी मिर्च भी डाली हुई है मैंने, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और ये मैंने भून दिया, ठीक है। अब क्योंकि मसाला जल जाएगा फटाफट पानी डालो, अच्छा रेहान को ना मैगी की महक तक पसंद पता है, अभी स्मेल आई मैगी की तो आके बोल रहा है मैगी। मैगी ने मेरे पीजी के दरमियान बहुत मदद की, लेकिन अब हमने इसको खाना बहुत कम कर दिया है, इसको तोड़ देंगे। ये तो नाम भर का एक और डालना पड़ेगा मुझे, इसको ये इस तरह सारे के सारे ये खुल गया है पूरा का पूरा जैसे ही, तो थोड़े से पानी ही है, देखो पानी ज्यादा नहीं है, इसको ढक के स्टीम में बनाएंगे, ढक दिया, अब ये स्टीम में बनेगा जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, मेरी एक मीटिंग है। 5 मिनट हो गए हैं, मैं मीटिंग के लिए तैयार भी हो गई हूँ, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था क्योंकि पानी कम लग रहा था, थोड़ा पानी मिलाया है। और ये देखो ये मैगी बन गई है, हमें थोड़ी सी गीली मैगी पसंद है, ज़्यादा सूखी नहीं, तो ये जैसी भी बनती है ना ये अच्छी लगती है, वी लाइक इट, तो आप भी ट्राई करना इस रेसिपी को। और इसमें अब थोड़ी सी चीज़ पड़ेगी, अब इसमें 1 फुल चम्मच चीज़ का जाएगा, काफी चीजी हो गए। ये चीज का पड़ गया है। अब इसमें अगर आपके पास कुटी हुई काली मिर्च है तो वो बहुत अच्छा लगता है, आप ऊपर से डाल दो, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कुटी हुई काली मिर्च का मैगी में, लेकिन हमारे पास है नहीं और मुझे कुटने का टाइम नहीं है, तो फिर बस ये मैगी तैयार है हमारी, और होपफुली आप भी ट्राई करना। दिखने में तो अजीब सी दिखने में तो काफी अजीब सी लग रही है, लेकिन अच्छी दिख रही है। ये देखो ये दिखने में तो पता नहीं इमरान को अच्छी दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन आपको खाने में इसका टेस्ट होपफुली अच्छा आएगा, तो आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा।